लीडर है वो भी बैठे थे और उनके बीजेपी के बाकी लोग भी बैठे थे, तो हमने उनसे सीधे शब्दों में कह दिया कि आज बीजेपी के दफ्तर के बाहर आने का एक मकसद है कि आज हमें अफसोस हो रहा है, हमें सोचने पर मजबूर हो गया है कि हमने बीजेपी को वोट क्यों दिया। हम पिछले 50-60 साल से बिजनेस कर रहे हैं, कोई 40 साल से बिजनेस कर रहा है, कश्मीरियों की सरकार थी, उन्होंने कभी तंग नहीं किया हमको। ज्यादा से ज्यादा उन्हें कहा हमें टैक्स चाहिए, हमने रेवेन्यू चाहिए, उन्होंने टारगेट फिक्स किया, हमने रेवेन्यू डबल करके दिया। हमारे ट्रेड में आज तक कोई डिफॉल्टर तक नहीं है। जितना गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया हमने दिया। हमने कहा इनको कि आज हम सोचने पर मजबूर हो गया, जम्मू के लोग ये सोचने पर मजबूर है, जम्मू का ट्रेडर सोचने पर मजबूर है कि हम ये सोच रहे हैं कि हमने बीजेपी को वोट क्यों दिया। और आज इन्होंने कहा है कि हमारे लोग, हमारे ऑफिस में कुछ बीजेपी के लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने गए थे, सुबह उनसे डेढ़ घंटा हमारी बात हुई है, लेकिन गवर्नर नहीं मान रहा हमारी बात भी। तो हमने कहा अगर आपकी बात भी नहीं मानता, सरकार आपकी, दिल्ली में सरकार आपकी, गवर्नर आपका, इसको वापस क्यों नहीं दिल्ली बुलाते आप। हमने सीधे शब्दों में कह दिया है कि आज शुरुआत है हमारी एक स्टेप की। अगर बीजेपी होश में नहीं आई, बीजेपी ने यह गवर्नर वापस नहीं लिया, ये ई बिडिंग बंद नहीं हुई, तो कल से हमारी जो एजिटेशन है वो उग्र रूप भी आ सकती है। वो हम किसी हद तक जा सकते हैं। हमारी रोजी रोटी का मसला है, ये हमारे परिवार का मसला है। अब हम इस एजिटेशन में ढिलाई बरतने वाले नहीं है। हमने जम्मू के जो बाकी ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशन से उनसे भी बात की है, सबने हमसे वादा किया है कि अगर आपके साथ इंसाफ नहीं होता है, आपके साथ हम भी सड़कों पर आएंगे। और ये मैं चेतावनी दे रहा हूं बीजेपी को कि अगर आपने अग्रेसिव होकर कोई स्टेप नहीं लिया, कल आप पछताएंगे, जम्मू आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा।